हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप इस ऐप के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, अमेजिंग क्यों है आज की ऐप मैं आपको बता दूं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस ऐप के बारे में बताते हैं। ये ऐप का काम क्या होता है? दोस्तों, ये ऐप आपके जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, उन सब की डिटेल आपके पास आपको देगी। यानी कि इस ऐप में आपको सारी, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है एक तरीके से। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर आपके पास है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि कुछ होते हैं, कुछ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, यानी कि यूपी के लिए अलग है, यूपी का है। अब अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के नाम से स्टार्ट होता है वो, दिल्ली के तो डीएल के नाम से, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ओके दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेट दिख जाएंगे। देखिए, आप अपना कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट के, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या आपको वो कराती है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यूपी टेक्निकल, यूपी स्टेट बोर्ड ऑफ हाई, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट। ओके दोस्तों, काउंसलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या आ जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, या फिर आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो आ जाता है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। जैसे कि देखिए, मेरा डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे, मेरा नाम और DOB यहाँ पे आ रही है जो मैंने फिल की थी। अब इस चीज़ से मिलता हुआ कोई भी DL होगा वो यहाँ पे मेरे को शो कर देंगे ये लोग। तो बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे मुझे DL नंबर डालना है और डॉक्यूमेंट अपना यहाँ से फेच कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह और भी जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट, बहुत ईजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी है ये ऐप, बहुत अच्छी है। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आप किसी को भी, जैसे कि अगर आपका ड्राइविंग चालान कट चुका है तो आपके पास है नहीं है कोई भी हार्ड में, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि DL नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, आधार कार्ड भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के लिए आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है जो UIDAI प्रोवाइड कराती है। ओके दोस्तों, वहाँ से आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आधार कार्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग है ये ऐप, यूज़ करके देखिएगा। फुल डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारा डॉक्यूमेंट। देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। ओके दोस्तों, बहुत अमेजिंग है, यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आधार कार्ड देख लीजिए, सब कुछ देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा इस ऐप को। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।